the national capital Delhi is facing water crisis amid severe heat waves, with temperatures rising nearly 50 degrees Celsius in several parts. There is an acute heat wave in Delhi and a shortage of water supply since Haryana is not releasing Delhi's share of water. Under these circumstances, the conservation of water becomes extremely important, an order signed by the Delhi minister said. It further said, wasting water amid a water crisis would invite a Rs 2000 penalty. Despite the arrival of water tanker every day, the supply falls short. Here's what residents have to say about the worsening water crisis. पानी के टैंकर आता तो रोज है, लेकिन आधा टैंकर आता है पानी, पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। लोगों को पानी नहीं मिलता तो कुछ खरीद के ले आते हैं, और जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है, और धूप इतना तेज, हर आदमी के घर में पानी चाहिए, पानी नहीं मिल पाता किसी को। बात की जाए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पानी की समस्या ज़्यादा होती जा रही है। जी 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 जी। तो कितने लोगों को दिक्कत होती होगी पूरे दिन में? यहाँ तो हजारों हजार लोग की दिक्कतें हैं। अभी देखना, ये देख लो सामने टैंकर, कितनी छोटी टैंकर है, इसमें तो भरपाई हो नहीं पाएगा, आधा से यही टैंकर आता है। हाँ, इससे भी छोटा वाला टैंकर भेजते हैं कभी कभी तो। क्या आपने यहाँ के जो विधायक हैं, इन सब ने किसी से बोला आपने कि पानी की भरपाई कीजिए, पानी कम आता है? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, रोज पब्लिक जाता है। An emergency meeting is scheduled to be held by the Delhi government after several reports emerged describing the situation of city's water supply.